चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। देखते ही देखते एक महीना बीत गया, फिर ऋषिका और गोकुल की शादी का दिन भी आ गया। उधर गोकुल तैयार होकर बारात के साथ ऋषिका के घर पहुंचने वाला है और दुल्हन के वेश में ऋषिका, हेलो नवीन, मैं पैसे और गहने सब बैग में भर दी हूँ, तुम जल्दी से हमारे घर के पीछे के दरवाजे के पास गाड़ी लेकर आओ, मैं मौका देखकर तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगी, फिर हम दोनों भाग जाएंगे यहाँ से। हाँ ऋषिका, मैं अभी पहुँचता हूँ वहाँ पर तुम ज्यादा देर मत करना, जल्दी नीचे आ जाना, मुझे कोई देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ी देर में गोकुल यानी कि दूल्हा आकर पहुंच गया। घर में सब बारात के स्वागत में लगे हुए थे और इधर मौका देखकर ऋषिका, लगता है दूल्हा आ गया, सब उसके पीछे लगे हुए हैं, भागने के लिए यही सही वक्त है। ढेर सारे पैसे और गहने लेकर ऋषिका छुपते हुए उस कमरे से बाहर निकल गई और घर के पीछे वाले दरवाजे के पास पहुंचते ही, पापा पापा आप, तुमसे यही उम्मीद थी मुझे ऋषिका, तुम जरूर ऐसे ही कुछ हरकत करोगी, इस घर की मान मर्यादा का कोई ख्याल नहीं तुम्हें, अगर वो लड़का इतना ही काबिल है जिसके लिए तुम सब कुछ छोड़ के चले जाने को तैयार हो तो फिर इतने सारे पैसे और गहने क्यों चुरा के ले जा रही हो, हाँ बताओ। पापा पापा, मैं ये शादी करना नहीं चाहती, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूँगा, चुपचाप अंदर चलो। अब ऋषिका नवीन के साथ भाग ना सकी, फिर घर वालों की मर्जी से गोकुल के साथ शादी करनी पड़ी उसे। और उधर ऑस्ट्रेलिया में, देखिए ना माँ जी, आज मेरी छोटी बहन की शादी है पर मैं नहीं हूँ वहाँ पर, बहुत मिस कर रही हूँ मैं सबको। मिस? इसमें मिस करने वाली क्या बात है, इतना घुमा फिरा के बात करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें यहाँ पे शादी करके आए हुए बस 2 ही महीने हुए हैं, फिर से इतने सारे पैसे खर्चा करके तुम्हें इंडिया नहीं जाने दूंगी मैं, और वैसे भी वो लोग तुम्हारे अपने तो है नहीं, फिर उनके लिए इतना क्यों सोच रही हो? नहीं माँ जी, आप ऐसे मत बोलिए, मेरे चाचा चाची मेरी छोटी बहन ये सब मेरे अपने हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार? अब ससुराल पे ध्यान दो, मेरे बेटे पे ध्यान दो, इस घर पे ध्यान दो, नॉनसेंस। बहू, रस्म के हिसाब से आज तुम्हें रसोई में जाकर खाना बनाना है, जाओ जल्दी से तैयार होकर रसोई में पहुंचो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं खाना बनाऊंगी? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो खाना बनाऊंगी यहाँ पे सबके लिए, इतना ही रस्म निभाना है तो अपने बेटे को बुला के उसी से ही खाना बनवा दो। ऋषिका, तुम माँ से ऐसे बात कर रही हो? एक्सक्यूज मी, वो तुम्हारी माँ है मेरी नहीं, और तुम क्या सोचते थे मैं इनकी चरण धोकर पानी पीऊंगी? हाँ मैं अभी बाहर जा रही हूँ, रात को वापस आऊंगी। पर बहू, आज तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तुम थोड़े दिन तक घर पे ही रुक जाओ। मैंने आपका परमिशन नहीं मांगा, do you understand? ऋषिका के बर्ताव देखकर गोकुल और उसके माँ एकदम चुपचाप खड़े थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए और उसे कैसे समझाना चाहिए। माँ, ये लड़की तो बहुत बदतमीज है, जो शादी के पहले दिन ही ऐसी हरकत करने लगे तो वो आगे क्या कुछ नहीं करेगी। अपना घर छोड़ के आई है ना, इसीलिए वो थोड़ा गुस्सा है शायद, तो चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ऋषिका, तुम यहाँ पे क्यों आ गई? तुम्हारे पापा को पता चलेगा
तो पता नहीं वो मेरा क्या हाल करेंगे। ओहो डार्लिंग, कुछ ही दिन की तो बात है, माँ बेटे दोनों को मैं इतना परेशान करूंगी कि वो खुद मुझे मेरे घर भेज देंगे और फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ओ स्मार्ट हाँ। वैसे ऋषिका, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, गांव भेजना है डार्लिंग। हाँ हाँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, ले लेना। कल तक मैं पैसे वाले बाप की बेटी थी और आज मैं एक बहुत बड़ी रिच फैमिली की बहू हूँ। पैसों की चिंता तुम बिल्कुल मत करो नवीन। बस आज ही नहीं, ऋषिका हर रोज गोकुल और उसके माँ के साथ झगड़ा करके नवीन के पास चली आती थी और हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बना के गोकुल से पैसे मांगती थी। और कभी कभार गोकुल मना कर दे तो अलमीरा से चोरी करके नवीन को दे देती थी। प्लान तो उसका सही था कि ये दो माँ बेटे तंग आकर आखिर में उसे हमेशा के लिए छोड़ दे, पर गोकुल और उसके माँ दोनों ही शांत स्वभाव के थे, ना तो ऋषिका को कुछ बोलते थे और ना ही उसके आने जाने पे कोई रोक टोक लगाते थे। रीमा, तुम यहाँ पे बैठे बैठे आराम कर रही हो? नहीं माँ जी, मैंने तो अभी अभी घर का सारा काम खत्म किया। खत्म कर दिया? बेसमेंट बहुत दिन से गंदा पड़ा है, जाओ उसे साफ कर दो। क्या, बेसमेंट? मैं बेसमेंट साफ करूंगी? हाँ तुम जल्दी से जाओ, अजय आने से पहले काम खत्म कर लो। रीमा की सास उसे हमेशा ही सताती रहती थी, ना तो उसके साथ अच्छे से बात करती थी और ना ही उसे अजय के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने देती थी। हमेशा रीमा को घर के काम में उलझाए रखती थी। अजय, दिस इज टू मच, आपकी माँ मेरे से बेसमेंट साफ करवाती हैं। मैं क्या दिन रात बस काम करने इस घर में आई हूँ? एक मिनट भी मुझे चैन से बैठने नहीं देते, ना ही मेरे घर पे किसी से बात करने देते हैं। उनका फोन आते ही छीन लेते हैं मुझसे और इधर उधर बात करके फोन काट देते हैं। मम्मी ऐसी नहीं है रीमा, तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। और वैसे भी घर का काम सबको मिलके करना चाहिए। कल तक मम्मी सब संभाल रहे थे और आज तुम संभालोगी, व्हाट्स द बिग डील? आप क्यों नहीं समझते अजय कि वो आपसे मुझे दूर रखती है? पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझसे तो छोड़ो, वो आपसे भी प्यार नहीं करते, बस दिखावा करते हैं। रीमा खबरदार, आइंदा ऐसी बात की तो, वो मेरी माँ है और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। और मम्मी क्यों हम दोनों को अलग करना चाहेंगे? मैं तो अपने बिजनेस के काम से बाहर जाता रहता हूँ। रीमा जब भी अजय को समझाने की कोशिश करती थी, अजय उस पे गुस्सा करता था और उसके बातों को अनसुना करके वहाँ से चला जाता था। फिर एक दिन जब रीमा बेसमेंट की साफ सफाई कर रही थी, सच्चाई ये है, मुझे इसे संभाल के रखना होगा ताकि वक्त आने पर मैं इसे अजय को दिखा सकूं, ताकि उन्हें भी उनकी माँ की असलियत पता चले। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।